हमारे देश में जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुए, वहीं उसके बाद फिर राज्यों के चुनाव हुए, फिर उसके बाद लोकसभा इलेक्शन 2019 के चुनाव हुए, ये सारे के सारे चुनाव ईवीएम से हुए, यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हुए दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर फिर सवाल भी उठने लगे, यानी ईवीएम पर सवाल भी उठने लगे, लोग उठाने लगे, राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां उठाने लगी कि ईवीएम जो है भारतीय जनता पार्टी ने हैक करी है, उनकी सेटिंग है, जब ये सत्ता में आकर बैठी है दोस्तों। भाई दोस्तों, अब ईवीएम को ही लेकर चुनाव आयोग से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। उस खबर को सुनकर आप हैरान भी हो जाएंगे। क्या है बड़ी खबर, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप भी चाहते हैं कि देश भर में सारे चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो इस वीडियो को आप प्लीज लाइक कर दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, आने वाले चुनाव बिहार का होना है, वही साथ के साथ 24 सीटों पर उपचुनाव मध्य प्रदेश में भी होना है। तो चुनाव आयोग ने कड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने हैं वो ईवीएम से नहीं होंगे, वो बैलेट पेपर से होंगे या पोस्टल बैलेट से, यानी पोस्ट द्वारा आप वोट डाल सकते हैं। ईवीएम से इसलिए नहीं कहा है बैलेट चुनाव आयोग ने, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा खतरा है कोरोना वायरस, यानी कोरोना फैलने का। वहीं बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी यही देखा जा रहा है कि बिहार में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे, वो भी बैलेट पेपर से हो सकते हैं, वहीं साथ के साथ पोस्ट बैलेट से भी हो सकते हैं, यानी पोस्ट द्वारा आप चिट्ठी जैसे लिखते हैं वैसे ही अपना वोट डालकर आप पोस्ट कर देंगे और उसके बाद आपका देखा जाएगा जब वोटिंग खुलेगी। ये बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। चलिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।